अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर यावर अब्बास, ए बी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन बैरियटोन में बैरियटोन की एसओपीज के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन होती है बैरियटोन में, उसकी अपडेट्स हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बैरियटोन में सेल, परचेज़ और कंस्ट्रक्शन के जो स्टेजेस चल रहे हैं उसकी अपडेट आप लोगों तक, अपने व्यूवर्स तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। लास्ट हमने वीडियो में एफडीटी टेस्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल से आगाह किया था कि एफडीटी टेस्ट किस तरह किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट जो है वो कितना रिज़ल्ट तक आना चाहिए। तो वो जो रिज़ल्ट है वो आप बैरियटोन के प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट पे आप जमा करवाते हैं। एफडीटी का जो रिज़ल्ट है वो बैरियटोन के एसओपी के हिसाब से 95% कंपेक्शन आनी चाहिए। अगर आपकी कंपेक्शन 95% नहीं आती है तो आपने दोबारा अपनी फील्ड पे, अपनी साइट पे, उस मॉइस्चर पे, उस एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे जाके दोबारा उसकी कंपेक्शन करवानी पड़ती है। कंपेक्शन कराने के बाद जो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ है वो गेन करने के बाद आपकी रिपोर्ट बैरियटोन के हेड ऑफिस में सबमिट होती है। तो यहाँ तक तो हमने आपको लास्ट वीडियो पे हमने आपको आगाह किया था। उसके बाद जो स्टेज आता है वो लीन की परमिशन के लिए हम बैरियटोन में अप्लाई करते हैं। लीन की परमिशन से पहले हम टर्माइट लाजमी करवाते हैं, क्योंकि टर्माइट का स्प्रे करवाना बहुत लाजमी होता है। दीमक वगैरह से आपका स्ट्रक्चर जो होता है, आपका वुड वर्क होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो लीन कंक्रीट से पहले थोड़ी देर पहले हम टर्माइट का स्प्रे करते हैं, उसके बाद लीन बिछाते हैं। लीन बिछाने के बाद हम दोबारा से उसके ऊपर टर्माइट का स्प्रे करते हैं ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस वक्त मेरा वीडियो, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए मेरी साइट पे, इस वक्त हमारी लीन कंक्रीट जारी है। लीन कंक्रीट का जो रेशो है 1:4:8 रेशो है, यानी एक हिस्सा सीमेंट का होगा तो चार हिस्से इसके सैंड के होंगे और आठ हिस्से जो है वो एग्रीगेट के होंगे। तो इस वक्त हमारी साइट पे प्रेजेंट 48 जो हमारी साइट है, 250 स्क्वायर यार्ड्स का ये विला हमारा बन रहा है। इस वक्त लीन कंक्रीट हमारी यहाँ पर चल रही है बैरिया की एसओपीज के हिसाब से। अच्छा दोस्तों, लीन कंक्रीट करने का रीज़न ये होता है कि हम जो फाउंडेशन ले करते हैं उसके लिए एक हमें स्मूथ सरफेस देनी पड़ती है। स्मूथ सरफेस अगर हमारी हो जाती है तो हमारा जो लेआउट होता है और फाउंडेशन जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है वो उसके लिए थोड़ी सी हमारे लिए आसानियाँ हो जाती हैं, और वो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और इसका दूसरा मकसद ये होता है कि लीन कंक्रीट करने का जो नीचे आपके अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वहाँ से अगर मॉइस्चर निकलता है तो आपकी फाउंडेशन या जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये लीन कंक्रीट के फायदे होते हैं। अगर आप लोगों ने बैरियटोन में अपने विलाज की कंस्ट्रक्शन करवानी है या बैरियटोन में जो रेडी विलाज हैं उनकी सेल परचेज करनी है तो आप हमारे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद अपडेट्स जो लीन कंक्रीट के बाद हमारा दूसरा स्टेज आएगा इंशाल्लाह, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को अपडेट कर लेंगे। जो हमारा फाउंडेशन का लेआउट होगा और जो फाउंडेशन की शटरिंग वर्क होगा उसमें आपको हम अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा अगर कैमरामैन आपको मेरी साइट पे अगर दिखा सके मटेरियल, जो मटेरियल हम अल्हम्दुलिल्लाह जो यूज़ कर रहे हैं टॉप ब्रांड्स में हम यूज़ कर रहे हैं, शटरिंग हमने मंगवाई है वो बिल्कुल न्यू शटरिंग है, और स्टील जो है हमारा अमरेली का स्टील है, उसके बाद सीमेंट जो है वो हमारे लकी और पावर सीमेंट हम अभी साइट पे यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मटेरियल अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने रब्ता करना है हमसे तो हमारे दिए गए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर यावर अब्बास, ए बी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच।